तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देंगे नया वीडियो जहाँ पर आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख में तो स्टॉक्स है अच्छा खासा। और आने वाले दिनों में मतलब 1 फेब को बजट डे भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे पड़ेगा, मार्केट कितना बेरिश हो चुका है और कहाँ तक जाएगा, कहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, वो आज हम सारी बातें यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चलो वीडियो स्टार्ट। ओके तो फर्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में ना एक इंपॉर्टेंट रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है हमें, तो अभी मार्केट ना फॉल करते हुए यहाँ तक भी आ सकती है। तो हम फटाफट अभी हमारे लेवल मार्क कर लेंगे। तो हमारे लिए फर्स्ट जो लेवल रहेगा मे बी यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो यहाँ पर एक हमें लास्ट होप बचता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट लेके मार्केट ने से ब्रेक किया है, मतलब इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। ये भी यहाँ से भी और फाइनल वन होगा। दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर डाउन साइड। अगर इन तीनों का ब्रेकआउट हुआ मार्केट गई समझो, तो यहाँ तक भी होप है कि मार्केट चेंज करेगी। और मार्केट में ना अभी बजट भी आने वाला है 1 फेब को, तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो बिजनेस जो है ना वो थोड़ा संभाल के यहाँ पर ट्रेडिंग करें, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत बड़े बड़े रेडर ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा देख के ट्रेड करो। क्योंकि एक ही दिन में मार्केट ने जितना फॉल किया ना उतना एक ही दिन में वो रिकवर भी कर सकते हैं, उतना बजट डे का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो ना मैं यहाँ पर बाय के लिए कब जाऊँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। मार्केट में ना एक शार्प सेलिंग आई, उसके साथ ना मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। मैंने ना अभी 5 मिनट का टाइम ओपन कर दिया, तो आप देखो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर कल हमें इसके ऊपर अगर मार्केट दिखती है तो हम आराम से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और जो स्कैल्पर है ना वो यहाँ पर ही अपने 20-30 पॉइंट निकाल के बाहर निकल सकते हैं। दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। तो आज से लेवल फटाफट मार्क कर लो, ये तो बहुत बड़ा लेवल्स हो गया। तो यहाँ पर हम उस लेवल को कम करेंगे, दीज आर दी लेवल्स, तो अच्छा खासा लेवल्स है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से टारगेट देखने को मिल सकता है कल मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे हैं, आप इसे फटाफट मार्क कर लो। दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। निफ्टी में भी डाटा टोटली बेरिश हो चुका है। और एक जो इम्पोर्टेंट मेरे पास स्टॉक्स है वो है रिलायंस। रिलायंस में एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आ चुका है रिलायंस, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट काफ़ी बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुके हैं। अगर यहाँ से फिर से मार्केट सपोर्ट लेगी तो हमें एक बाय देखने को मिल सके, विथ इस ट्रैंगल मतलब एक असेंडिंग ट्रैंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ से हो सकता है और ये सारे टारगेट्स हमें आराम से मिल सकते हैं। अगर इसका डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो 8 टारगेट्स मिलेंगे, और अपसाइड होता है तो 8 नौ टारगेट्स आपके लिए, 4 टारगेट्स आपके लिए ऑलरेडी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो कि कॉल वाई बिना टोटली बेरिश हो चुका है। तो फर्स्ट का मतलब बैंक निफ्टी के वाई पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल सेलर्स का डोमेन कितना ज़्यादा यहाँ पर पड़ चुका है। यहाँ पर आप देखो, और यहाँ पर देखो पुट वाई जो मार्केट को ऊपर ले जाने लोग हैं ना वो यहाँ पर कम हुए, और जहाँ पर ऊपर मार्केट नीचे मार्केट ले जाने वाले यहाँ पर ना लोग ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ओपन है। उसके साथ ही और एक बात यहाँ पर देखो, आप यहाँ से देखो जो पुट मतलब जो मार्केट को ऊपर ले जाने लोग हैं वो यहाँ पर फटाफट मार्केट से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से कितने कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट से वापस जा चुके हैं, और यहाँ पर कॉल वाई का डोमेन बढ़ चुका है। उसके बाद हम आते हैं निफ्टी। निफ्टी का भी सेम चल रहा है यार, निफ्टी का भी हम देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसमें भी देखो कि कॉल वाई बढ़ चुका है। कॉल वाई बढ़ा मतलब मार्केट टोटली बेरिश हो चुका है, और यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट लेके 18,100 यहाँ से जितने भी फूड सेलर बैठे हुए थे वो सारे यहाँ से भाग चुके हैं। फिर यहाँ से तो देखो टोटली 39 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लेके वो भाग चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से टोटली बेरिश हो चुका है। तो मंडे के दिन अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। तो देखो हमारे एनालिसिस यूज़ करो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालो, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने मंडे के दिन कितना प्रॉफिट बुक किया। तो चलो मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, और सबको ऑल द बेस्ट। और थोड़ा ट्रेडिंग देख के करो क्योंकि बजट डे है 1 फेब को, ठीक है।